सा उदाहरण दे के बताना चाहूँगी कि ये फिल्म क्या है। एक जंगल में आग लगी, सारे जानवर शहर की तरफ भागने लगे, कुछ जानवर तालाब में खड़े हो गए, लेकिन एक चिड़िया ने देखा एक गड्ढे में पानी है और वो जंगल की आग में एक एक बूंद पानी डालने लगे। एक जानवर ने पूछा कि तुम्हारे एक एक ड्रॉप पानी डालने से क्या इतने बड़े जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत प्यारा जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि मेरे एक एक बूंद पानी डालने से इतने बड़े जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कल को जब इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी तो भागने वालों में मेरा नाम नहीं होगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। आज चारों ओर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी आग लगी है, ये दुनिया कंक्रीट जंगल बन गई है और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं विश्व में शांति कैसे आए, और विश्व में शांति लाने के लिए आज हमें गीता के ज्ञान को सही अर्थों में जानना बहुत जरूरी है। गीता के ज्ञान को जानने के लिए जो बाहर कर्मकांड होते हैं उससे दूर हटके अगर उसके सही अर्थों को जीवन में उतारा जाए तो मैं समझती हूँ कि विश्व में शांति आ सकती है। और जो हमारे देश में कहावत है वसुधैव कुटुंबकम, वो भावनाओं को हम चरितार्थ कर सकते हैं। इस फिल्म का यही एम है कि पूरे विश्व में आज शांति लाए। हम देख रहे हैं आज चारों ओर हम थर्ड विश्व युद्ध के करीब खड़े हैं और ऐसे में ये फिल्म मैं समझती हूँ कि सभी के लिए कहीं ना कहीं वो चिड़िया का काम करेगी, आग बुझाने का काम करेगी। तो ये मेरा लक्ष्य है इस फिल्म को बनाने का। आपने बताया गीता पे, तो कितने लोग इस पे आपने जो फिल्म की गीता पे बनाई तो कितने लोग इस पे अमल करेंगे? ये तो मैंने कहा ना, आप पे डिपेंड करता है। अभी बाजार में तो हर लोग हर चीज़ लेके बैठता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है, लेकिन कई बार अनुभूति भी होती है कुछ चीज़ को देख के कि नहीं यहाँ से कुछ लग रहा है, यानी उसमें हमने कुछ ऐसी तार्किक बातें बताई हैं कि जो सिर्फ श्लोक को हम अर्थ सहित बता रहे हैं ये नहीं है। कि तर्क बोलता है कि आप कह रहे हैं कि अर्जुन का मोह नष्ट करना था, कृष्ण ने एक अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन वो देखकर संजय धृतराष्ट्र को भी तो बता रहे थे जो जो हो रहा था, तो धृतराष्ट्र का मोह क्यों नहीं खत्म हुआ? एक का ही मोह खत्म होगा क्या? इस तरह से अगर अक्षौणी सेना खड़ी है और कृष्ण ज्ञान सुना रहे हैं तो बाकी की सेना ऐसे ही चुपचाप खड़ी है, कोई लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, 18 दिन तक ऐसे ही चलता ही रहे, 700 श्लोक ऐसे ही बोलते रहे, वो हिंदी में बोले या संस्कृत में, वहाँ कोई रिकॉर्डर लेके बैठा था रिकॉर्ड करने या क्या? यानी देर आर सो मेनी थिंग जो हम बुद्धिजीवी लोगों को आज सोचने की आवश्यकता है कि गीता को जो कर्मयोग सिखाया है, कर्म संन्यास नहीं, घर गृहस्थ में परिवार में रहते अगर गीता के सही अर्थ को अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अपने जीवन को बहुत शांति में और बहुत सफलता के साथ में जी सकते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि गीता के सही अर्थों को लोग जानें। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है जो कि फैमिली ड्रामा हम बोल सकते हैं कि जिसमें के आर्टिस्ट के अर्जुन लोगों से क्या कहना चाहूँगी, लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार अगर आप सही में गीता के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखें, यानी अपने वो जो पूर्वाग्रह है पहले आपने जो सुना या पढ़ा उसको एक साइड में रख के एक बार आप ये फिल्म देखें, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि कई बार होता है कर्मयोग है, कर्म संन्यास है, भक्ति योग है, या इसमें क्या है। इसमें हर बात को बहुत अच्छी तरह से डीपली और बहुत तर्क के साथ समझाया गया। एक आई ओपनर होगी मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को ये फिल्म, जो गीता पढ़ते भी हैं या नहीं भी पढ़ते हैं पर उनको ये बात समझ में आ जाएगी। आज कंठस्थ कर लेते हैं 700 श्लोक लेकिन जीवन में नहीं उतारते, उसमें सबसे बड़ी बात है काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, लेकिन जो गीता का पाठ करते हैं वो दिन में 10 बार क्रोध करते हैं, तो क्या ये गीता के अर्थ को नहीं जाना? ये तो सिर्फ आप मंत्र पढ़ के और लोगों को अर्थ समझा रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, यही हुआ नहीं, गीता का ज्ञान कुछ और कह रहा है, तो हम उनका असली अर्थ समझाना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है या सिर्फ लोगों को सुनाना नहीं है पर खुद अपने जीवन में भी उसको जो लाना है उतारना है। अब उसको अपने जीवन में कैसे उतारें वो ये फिल्म बताती है। सो इन नटशेल बहुत कम समय होता है एक फिल्म का माध्यम भी, मैं समझता हूँ
के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को आप एक घंटा 48 मिनट में समझाने की कोशिश करें, वो भी कन्विंसिंगली। तो काफ़ी कन्विंसिंगली इसको समझाने की कोशिश की, इतनी कन्विंसिंगली कि एक अनपढ़ गवार जो बिल्कुल अपना नाम भी लिखना नहीं जानती, वो भी इस फिल्म को देख करके समझ जाएगी कि गीता का मतलब क्या है, या गीता क्यों सुनाई गई है, उसका रीज़न क्या था। Okay, thank you so much.